हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल SSRD ब्लॉगर में। तो फ्रेंड्स, आज है 19 नवंबर और दिन है शुक्रवार और आज है कार्तिक पूर्णिमा। और आप सभी लोगों को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मुझे जाना है अपनी देवरानी के घर, क्योंकि उन्होंने अपने घर में रखी है सत्यनारायण भगवान की पूजा। और आज मैंने जल्दी नहा लिया है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को बहुत सारे लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। और तो गंगा जी तो नहीं जा पाती हूँ ना, तो लेकिन घर में ही जल्दी स्नान करने मतलब जल्दी नहा लेना चाहिए। और अगर गंगा जल डाल के नहाए तो और भी ज्यादा अच्छा है। तो जो जैसा कर पाता है वैसे ही कर लेता है। मैंने गंगा जल तो खैर नहीं डाला है पानी में, ऐसे ही नहा लिया, लेकिन जल्दी नहा लिया है क्योंकि अभी मुझे कुछ मतलब बच्चों के लिए खाना भी बना के रखना है। सब्जी पराठा रोटी जो भी खाएंगे बना के रख दोगे, और फिर घर वाली जो रोज की पूजा होती है वो पूजा करनी है। और भी थोड़ा बहुत काम हो जाता है ना घर में, वो सारा काम करने के बाद फिर मैं जाऊंगी मतलब अपनी देवरानी के घर सत्यनारायण भगवान की पूजा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू न्यू वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। और हाँ, आज मैं दिखाऊंगी आपको लौंग के, क्योंकि लौंग के पौधे में लौंग निकल आई है। और वही कि यहाँ का वातावरण कुछ ऐसा है कि लौंग हो नहीं पाती, जैसे निकलती तो है लौंगे लेकिन सूख जाती हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 या 6:45 ऐसे हुआ हो। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे झाड़ू, फिर पोछा इसके बाद लगाया था। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर छत पे, और छत पे दिखा रही थी आपको, दिखाऊंगी लौंग। और फिर नहाने के बाद बनाऊंगी खाना बच्चों के लिए। तो खाने में सब्जी पराठा रोटी सब बना के रख दूंगी, जिसको जो खाना होगा वो अपना ले लेंगे, तब ले लेंगे निकाल लेंगे, क्योंकि आज जाना है मुझे कथा में। और ये देखिए लौंग, लौंग तो ये देखिए मतलब निकलती हैं आ जाती हैं, लेकिन वही चीज़ें जैसे सूख सूख जाती हैं, जैसे लौंग होती हैं वैसी नहीं हो पाती हैं। और ये अब ठंड आ गई तो ठंड में ये पत्ते भी जैसे इस तरीके से सूख सूख के झड़ जाएंगे अपने आप। और गर्मियों में जैसे पौधा मतलब पौधा जो है इसके पत्ते खूब अच्छे चलते हैं, और ठंड में ये पत्ते झड़ जाते हैं अपने आप। और इसके बाद मैंने दिखाया आपको गुड़हल का फूल। तो ये देखिए ये डबल वाला गुड़हल का फूल है, देखने में मतलब बहुत सुंदर लगता है। ये पिंक कलर का है और इसमें कलियां भी और कलियां भी निकली हैं, तो उसके भी फूल फूलेंगे। अभी एक ही फूल निकला था। और इसके बाद मैं सीधे नहाने के बाद ही किचन में आई थी। और ये देखिए आटा लगा के रख दिया था, और गोभी काट के मैं रख गई थी नहाने से पहले। तो अब बना दूंगी बच्चों के लिए सब्जी और थोड़े से पराठे, और रोटी रोटी भी बना के रख दूंगी। और एक गैस पे बन रही है चाय, क्योंकि इसमें नहाने के बाद चाय जरूरी हो जाती है, क्योंकि ठंड भी पड़ने लगी है तो चाय नहाने के बाद अच्छी लगती है नहाने के बाद पीने में। और सब्जी फटाफट छौंक दी तो बच्चे अपना ये सब खा लेंगे निकाल के। सब्जी भी बनकर रेडी हो गई, इसमें डाल दिया हरा धनिया। और यहाँ फटाफट बना लूंगी मैं रोटी, और इसके बाद बना दूंगी पराठे।
और अब इसके बाद ये सब बना के रख दिया खाना। और यहाँ पे निकाली है मैंने खुराक, तो हमारे यहाँ इस तरीके से खुराक निकालते हैं, जैसे हर चीज़ निकालते हैं, नमक मिर्च और चीनी, क्योंकि खाली खाली जैसे नमक नहीं दिया जाता है, तो नमक के साथ कुछ ना कुछ मीठा जैसे लगा दें, गुड़ हो तो गुड़ लगा दें या फिर कोई मिठाई भी लगा सकते हैं। तो नमक चीनी मिर्च और ये घी और ये काली वाली दाल या फिर चने की दाल भी खुराक में निकाल सकते हैं, और आलू वगैरह भी अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाला। और आटा दाल चीनी नमक मिर्च और घी, तो यही सारा कुछ हमारे यहाँ निकाला जाता है खुराक में। तो ये सब मैं जैसे दिखा देती हूँ आपको, ताकि पता चले कि जैसे हमारे यहाँ किस तरीके से चीज़ें होती हैं, जो हमारे रीति रिवाज और ये जो मतलब हमारी संस्कृति किस तरीके की है, क्या क्या होता है, तो वही सब कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं, रास्ता थोड़ा देखिए देखिए, बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। और ये देखिए मम्मी की मतलब मम्मी के घर की तरफ जब जाते हैं ना, तो रास्ते में इस तरीके के मतलब कुछ दृश्य देखने को मिलते हैं, जैसे खेत खेत टाइप के, मतलब पहले यहाँ पे खेत ही मतलब हुआ करते थे, अब ये प्लॉटिंग वगैरह हो गई है सब, तो इधर थोड़ा सा जैसे गांव जैसा दिखता है, अच्छा लगता है, मतलब हरा 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 भरा अच्छा लगता है। यहाँ देखिए सब बैठे हैं, हो रही है भगवान की कथा शुरू हो चुकी है, ये पंडित जी बैठे हुए हैं और ये भगवान जी सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो वगैरह रखी है, यहाँ पे फल मिठाई सब मतलब भोग रखा है। अब यहाँ पे हो रहा है हवन, कथा होने के बाद हवन भी ऐसे छोटा सा मतलब होता है कथा के बाद, इसके बाद आरती होती है, फिर प्रसाद दिया जाता है सबको, प्रसाद बांटते हैं। और ये बच्चे सब लोग छत पे आए थे बच्चे, और सबकी फ़ोटो खींची गई यहाँ पे, तो और ये देखिए कुछ मतलब छत के ऊपर से कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखता है, तो ये हरा हरा मतलब देखने में भी अच्छा लगता है और दिखाने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे लगाइए बिल्कुल मतलब मकान के पास ही में बिल्कुल लगाइए, जिनका खेत है उन्होंने लगाया है सरसों, तो सरसों का साग हरा हरा, आम के पेड़, इधर गाय भैंसे जानवर भी मतलब थोड़े बहुत दिखते हैं, तो अच्छा लगता है। और ये मम्मी के घर से जब वापस आते हैं, तो रास्ते में ये एक पड़ता है ये हरसिंगार का पेड़, मतलब मम्मी के मकान के मतलब जो मेरी सासू माँ है उनके मतलब बिल्कुल थोड़ी जब निकलते हैं गली से, तो वहीं पे ये दिखे पेड़ है हरसिंगार का, ये मतलब फूल जो है बहुत सुंदर लगते हैं। फिर मैं थोड़े से फूल ले भी आई थी, घर ले आई थी, और फिर उसको धुल के और साफ़ करके रख लिया, तो मैंने सोचा शाम को दीपक जब जलाऊंगी तो थोड़े से एक बर्तन में डाल के उसमें दीपक लगा दूंगी, अच्छे लगते हैं फूल, इनकी खुशबू बहुत ज़्यादा सुंदर आती है, बहुत अच्छी खुशबू, और बहुत दूर मतलब जैसे अगर एक मोहल्ले में लगे हैं ना, तो फिर पूरा मोहल्ले में पूरे मतलब पूरे मोहल्ले में इन फूलों की खुशबू आती है। तो ये हरसिंगार के फूल होते हैं, और ये दिन में खिलते हैं और रात में झड़ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे शाम को मैं लगा रही हूँ दीपक, बना रही हूँ, और यही परात रखी, इसमें मैं फूल डाल के दीपक लगा दूंगी, जिसे उन्हें दीपदान बोलते हैं हमारे यहाँ, तो दीपदान किया जाता है, तो गंगा जी के घाटों पे तो हम नहीं जा पाते हैं, तो इसी तरीके से घर में मतलब दीपक लगा देते हैं पानी में फूल डाल के, और इसी में दीपक रख देते हैं, 11 दीपक 9 दीपक 7 दीपक आप जैसे रख डालें, 2 दीपक 5 दीपक, तो ये थोड़ी मतलब बड़ी परात है, तो इसमें 11 दीपक आराम से आ गए, तो मैंने 11 दीपक लगा दिए, और बाकी के गेट पे लगा दिए थे, दरवाजे के बाहर थोड़े से छत पे लगा दिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे 11 दीपक लगा दिए अलग, और बाकी के मैं बाहर गेट पे लगा दूंगी और थोड़े से छत पे रख दूंगी 2-4, क्योंकि आज मतलब दीपदान करना चाहिए, तो आप घर में भी इस तरीके से परात में पानी लगा के और दीपक रख सकते हैं, उसमें दीपदान कर सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पे गेट पे दरवाजे के बाहर हर जगह रख दे रही हूँ,
तो आज देवताओं की दीपावली है और अमावस्या को हम लोगों की दीपावली होती है। तो सारे मैंने दीपक लगा दिए हैं और जितने भी मैं लगा पाई हूँ थोड़े से लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। तो आप भी मतलब आज दीपदान करना जरूरी होता है ना, तो इसीलिए दीपक लगाए जाते हैं क्योंकि आज देव दीपावली है। तो आज तो सारे देवी देवता जो हैं सब मिलकर दीपावली मना रहे हैं, तो हम लोग भी उनकी खुशी में शामिल हैं। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का एंड, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे मतलब। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए।